इनेलो को लेकर प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। सांसद दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला के निष्कासन के बाद चौटाला परिवार में राजनीति और गर्मा गई है। अब अजय चौटाला के समर्थक एकजुट होने लगे हैं। उसी कड़ी में कुरुक्षेत्र देवीलाल चौक पर दुष्यंत चौटाला के समर्थकों का एक बड़ा हुजूम इनसो के नेता रहे जसविंदर खेरा की अगुवाई में इकट्ठा हुआ। दोनों दलों के लोग अलग अलग अपने समर्थकों को एकजुट करने और शक्ति प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। कुरुक्षेत्र में जसविंदर खेरा की अगुवाई में दुष्यंत चौटाला गुट के लोगों ने नारेबाजी की। चौधरी देवीलाल अमर रहे, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं उन्होंने कहा कि सोमवार को अजय चौटाला के जेल से बाहर आने के बाद बड़ा फैसला लिया जाएगा। जसविंदर खेरा का कहना है कि दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला का निष्कासन सरासर गलत है। सारे जितने इंडियन नेशनल लोकदल के मेहनती कार्यकर्ता थे, जिन्होंने मैं कह सकता हूं कि जिंदगी का अपना आधा हिस्सा और कई परिवार तो यहां पर ऐसे बैठे हैं जिनकी तीन तीन पीढ़ियां निकल गई, वो सभी यहां पर बैठे हुए हैं और उस निष्कासन का विरोध कर रहे हैं। जो निष्कासन हमारे युवा सांसद दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला जी का एक रणनीति के तहत उनका निष्कासन किया गया और उनके विरोध में और दुष्यंत चौटाला के हक में और दिग्विजय सिंह चौटाला के हक में, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के हक में यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं। और हमारी ये मांग है कि ये जो निष्कासन हुआ है, इस निष्कासन को रद्द किया जाए, अन्यथा ये सभी जितने कार्यकर्ता ये बैठे हुए हैं इसी तरह अपना विरोध दर्ज करवाते रहेंगे और पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम ये कह देना चाहते हैं कि हम युवा सांसद दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला जी के साथ जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, सभी कार्यकर्ता युवा सांसद दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक लहर जो दुष्यंत चौटाला की पूरे हरियाणा प्रदेश में चली हुई है, उस लहर से डरते हुए ये निष्कासन किया गया है। क्योंकि एक आप देख सकते हैं कि युवाओं के बीच, किसानों के बीच, व्यापारियों के बीच जिस प्रकार से सेलिब्रिटी बन चुके हैं दुष्यंत चौटाला, कहीं ना कहीं पार्टी के सीनियर नेताओं को लगने लग गया था कि हमें इनसे पीछे खड़ा होने पड़ेगा, तो उसी का खामियाजा हमारे युवा सांसद को भुगतना पड़ा है। हम उसका विरोध करते हैं और ये जो एक रणनीति के तहत चौटाला साहब के हाथों ये निष्कासन करवाया गया है, हमें भी ये पता है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के द्वारा ये निष्कासन नहीं किया गया। ये निष्कासन करवाने वाले तो कोई और हैं, लेकिन हम इसका विरोध करते हैं और दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय सिंह चौटाला के साथ ये सभी कार्यकर्ता डट के खड़े हुए। कोई आगे रणनीति क्या रहेगी? कोई रणनीति कल डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी बाहर आ रहे हैं, जो भी दिशा निर्देश देंगे हम उन्हीं दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। अब हमारा पार्टी के साथ कोई वास्ता नहीं है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, युवा सांसद दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय सिंह चौटाला जी जो भी दिशा निर्देश देंगे हम उन्हीं दिशा निर्देशों को फॉलो करके आगे बढ़ेंगे।